आय माता जी का 605वां प्रकट उत्सव संपन्न हुआ। नागलवाड़ी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता जी का भादव सुदी दूज पर आई माता जी का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को मनाया गया। लेकिन इस वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए जिला संगठन के द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष आई माता जी की सुसज्जित झांकी माता मंदिर प्रांगण में झंडा चौक घुमाकर मंदिर प्रांगण में वापस ले गए, जहां पर सभी समाज के माता बहनों ने एक ही स्थान पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आराध्य देवी माता जी की पूजा अर्चना की और बाबूलाल जी गहलोत के द्वारा चांदी के मुकुट छत्र चढ़ाए गए और मोहन परिहार के द्वारा भंडारा प्रसादी और पूजा अर्चना के पश्चात शाम 4 बजे महाप्रसादी रखी गई। नांगलवाड़ी से हीरालाल सोलंकी की रिपोर्ट। ये जुलूस किस संबंध में निकला? जो हमारे कुलदेवी छत्तीसगढ़ी समाज की आई माता जी का 605वां जन्मोत्सव जो हमारे समाज जन प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं, उसी क्रम में इस वर्ष भी एक साधारण कार्यक्रम किया गया। कोविड-19 के चलते इस महामारी को देखते हुए समाजजनों ने निर्णय किया कि हमें सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बार सीमित कार्यक्रम करना है। उसी के तहत इस वर्ष माता जी का कार्यक्रम सीमित एवं छोटा किया गया। इसी क्रम में आज आई माता जी की कृपा से नागरवाड़ी के श्री बाबूलाल जी गहलोत के द्वारा माता जी एवं बाबा रामदेव जी के मूर्ति पर चांदी से निर्मित मुकुट एवं छत्र चढ़ाए गए एवं समाजजनों के द्वारा समाज के श्री मोहन परिहार के द्वारा सामाजिक भोजन का आयोजन किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।